हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं ये रोड स्टड है। ये रोड पे इस तरीके से लगा रहता है, देखिए ये पूरा लाइन से होता है हर जगह। देखिए तो बहुत है लेकिन बनते कैसे हैं, सारी जानकारी हम आपको देंगे इंडस्ट्री इनसाइड में। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम सैफी आपका स्वागत करता हूं इंडस्ट्री इनसाइड में। और आज हम आपको दिखाने वाले इंडस्ट्री के अंदर कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो आप रोज डेली देखते हैं, रोज आपके नजरों में आते हैं लेकिन क्वेश्चन दिमाग में रहता है आखिर ये बनते कैसे होंगे और बनते कहाँ होंगे, वो सब इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम सैफी आपका स्वागत करता हूँ इंडस्ट्री इनसाइड में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम डेली देखते हैं, डेली यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि आखिर ये बने कैसे होंगे। आज हम बात करेंगे रोड सेफ्टी प्रोडक्ट्स के बारे में। रोड ब्रेकर्स आपने देखे तो बहुत होंगे कि आखिर बनते कैसे हैं इन, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी आज हम आपको देंगे। ये प्रोडक्ट जब बनाया जाता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है कैड कैम। कैड कैम मीन्स डिजाइनिंग, डिजाइन किया जाता है इसको कंप्यूटर पे, उसके बाद इसकी एक डाई बनाई जाती है और वो डाई बनाकर हम लोग फिर उस डाई को एक ह्यूज मशीन पर लगाते हैं। वो मशीन एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, वो मशीन इस तरीके से वो मशीन पर लगाई जाती है। एक बार ऑन कर, एक बार डाई को क्लोज जरा दिखाइए, डाई ओपन करना है। ये वो डाई है दोस्तों, जिस डाई से प्रोडक्ट बनाया जाता है रोड ब्रेकर आपका। ये आपके सवाल का जवाब है कि क्या आखिर बनते कैसे होंगे, है ना। ये वो ह्यूज मशीन है, मैं अपने दोस्त को बोलना चाहूंगा एक बार मशीन को दिखाएं जरा, कितना बड़ा ये एक प्रोसेस है मेगा मशीन में जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों ये है रोड स्टड्स, आपकी सेफ्टी के लिए आपने बहुत जगह देखा होगा ये रोड्स पे यूज होता है। तो ये भी कैसे बनता है ये भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे बनाया जाता है। रोड स्टड प्लास्टिक साइड में लगे हुए आपने रोड स्टड्स देखे होंगे, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। और इनको पहले जब बनाया जाता है इनके अंदर कोई रिफ्लेक्टर नहीं होता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, बाद में इसमें रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्शन लगाए जाते हैं। वो जिस मशीन पे बनते हैं वो मशीन आपको दिखाते हैं और कैसे प्रोसेस होता है। ये आपने प्रोसेस देखा होगा, ये बहुत सारे कलर्स में आता है, जैसे व्हाइट, व्हाइट मीन्स जेब्रा क्रॉसिंग पे, किसी बुजुर्ग को जाने के लिए कभी दिखाई दे तो समझ जाना कि जेब्रा क्रॉसिंग पे क्यों लगाया गया। ऐसी ये रेड कलर में होता है, रेड कलर मीन्स एक्सीडेंट प्रोन एरिया, जहां पे एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी आपको रेड नजर आए तो प्लीज ध्यान दीजिएगा उस रोड पर कि वहां थोड़ा ध्यान से चलें, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ना।
तो दोस्तों ये है सोलर स्टड। रात में आपने कई बार देखा होगा ये आखिर लाइटिंग जल रही है रोड्स के साइड में, तो जल कैसे रही है ना। मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आया था कि यार इसमें वायरिंग कैसे की जाती है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ये आखिर इसको ऑन ऑफ करने कौन आता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट एक्चुअल में सोलर से चार्ज होता है और इसके अंदर सेंसर्स होते हैं जो रात को अंधेरे में अपने आप ऑन हो जाते हैं लाइटिंग। और ये प्रोडक्ट्स हर जगह हाईवे पे मोड पे आपने देखा होगा रेड एंड ग्रीन में। तो ये कैसे बनता है, ये कैसे बनाया जाता है, ये सब दिखाएंगे, सब बताएंगे हम इसके बारे में आपको। मीडियम मार्कर, इसके नाम से ही समझ में आता है ना, मीडियम मार्कर मतलब रोड के मीडियम में ये यूज किया जाता है प्रोडक्ट। ऐसे ही ये भी सेम प्रोसेस से बनाया जाता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें हैं जिन पे बनाया जा रहा है, ये लोग काम कर रहे हैं। एक बार मैं कहना चाहूंगा किस तरीके से काम होता है सारा, दिखाइए। है ना, देखा होगा आपने, ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए जाते हैं। इनको कैसे प्रोसेस किया जाता है हम सब आपको दिखा रहे हैं, और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और इंडस्ट्री इनसाइट के एपिसोड्स में। आगे आपके लिए बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारे सवालों का जवाब हम लेकर आने वाले हैं। और हाँ, अगर किसी हमारे दोस्त को, फ्रेंड को अगर कोई जानकारी चाहिए किसी इंडस्ट्री को, कमेंट करके जरूर बताए, तो हम उसकी जो भी हो सकता है सारी हेल्प करेंगे। जिस इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे हम उसको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। Thank you very much.